नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा न्यायालय के सामने बेटे ने जमीनी विवाद में पिता की डंडों से धुनाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। जमीन के लालच में पुत्र ने पिता पर ही लाठियां बरसा दी। यह नजारा देख कोर्ट के सामने अधिवक्ता एवं आमजन का जमावड़ा लग चुका था। अधिवक्ताओं ने युवक से डंडे छुड़ाकर और पिता की जान बचाई। पैसा व जमीन की लालच ने एक बेटे को इतना जालिम बना दिया कि पिता के ऊपर ही लाठियां बरसा दी। स्थानीय लोगों ने मारपीट की घटना को कैमरे में कैद किया। आधे घंटे तक विवाद की स्थिति बनी रही, दहशत का माहौल निर्मित हो गया। कोर्ट परिसर के सामने स्थानीय वकील एवं आम जन से भी हाथ में डंडा लेकर आरोपी झड़प करता रहा। रीवा शहर के कोर्ट परिसर के सामने जमीनी विवाद में पिता के ऊपर पुत्र ने डंडा बरसा दिया है। हम आपको बता दें कि पिता और पुत्र का जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें पिता अपनी हिस्से की जमीन अपने हक के लिए बेटे से मांग रहा था, मगर बेटे को जमीन बेचने का भूत सवार था। बेटा जमीन बेचकर पूरे पैसे हड़पना चाहता है, तो वहीं पिता अपने हिस्से की जमीन को नहीं बेचना चाहते, क्योंकि बेटा जमीन बेचने के बाद पैसे हड़पने के मूड में है, जो पिता से पूरे पैसे की मांग कर रहा है। जब पिता के द्वारा इसका विरोध किया गया, तो बेटे ने पिता के ऊपर कोर्ट परिसर के सामने डंडे बरसाना शुरू कर दिए। हालांकि इस घटनाक्रम का वीडियो स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि छोटा लड़का जमीन बेचकर पैसे हड़पने की राय बना चुका था, जिसका विरोध किया तो बेटे ने मारपीट शुरू कर दिया। यह पूरा घटनाक्रम रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारियां निकलकर सामने आ रहे हैं कि अभी वृद्ध ने इस घटनाक्रम की शिकायत थाने में नहीं दर्ज कराई है। विद्यालय थाने आपके साथ मारपीट हुई है? हमारे साथ ही। क्यों मारे हैं आपको? हमको हम अपना अधिकार मांग रहे थे, जमीन बिक्री के अधिकार मांग रहे थे। उस अधिकार में हमारा अधिकार पूरा हड़पना चाहते हैं, हमको एक रुपये नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मारे। कौन मारा है आपको? हमारा छोटा बालक मारा है जी। क्यों आपको यहाँ पास क्यों मारे? अब यही तो बात है, अब क्या बताएं कि क्यों मारे हैं। वो पैसा वो लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी औरत हमारे साथ नहीं रहती है, 3 वर्ष से दूसरी जगह रहती है। हम अपने ग्रामीण और अपने संपत्ति ग्रामीण में रहता हूँ जी, गांव में। अच्छा, आपकी चोटें भी आई हैं? हो गया, चोट सर नहीं आई है, लेकिन हमारे साथ गलत तो कर रहे हैं भरी कोर्ट। और हमने यहाँ 15 साल दुकान किए चाय की, और हमारे साथ भारी अन्याय हो रहे हैं, हम यही जानता हूँ। कहाँ पास मारपीट हुई आपके साथ? हमारे साथ राजेन नोटरी के सामने।